देश भर में धूमधाम से नवरात्रि मनाया जा रहा है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। लोग भक्ति में लीन होकर माँ की आराधना कर रहे हैं। माँ के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में बिहार के गया शहर से कुछ ही दूरी पर भस्मकूट पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती का वक्षस्थल गिरा था, जिस कारण ये शक्तिपीठ पालनहार पीठ या फिर पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। मंगला गौरी शक्तिपीठ के पुजारी लखन बाबा उर्फ लाल बाबा कहते हैं कि इस शक्तिपीठ को असम के कामरूप स्थित माँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ के समान ही माना जाता है। मंदिर का पुजारी हूँ, मैं माँ मंगला गौरी का पुजारी हूँ। लखन बाबा उर्फ लाल बाबा मेरा नाम है। मैं अपनी सारा जीवन माँ के भक्ति में गुजारा हूँ। आने वाले भक्तों में मैं बहुत तरह की खासियत देखता हूँ कि जिस भक्त जिस प्रकार से माँ के दरबार में आए, उस प्रकार से उनकी इच्छा को माँ पूर्ण करती है। कुछ भक्त को ऐसे भी देखे, कुछ हाथ में डाली नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, सिर्फ भाव है कि माँ से मिलना है। अब वो जाते हैं, सारी मनोकामना उनकी भगवती पूर्ण करती है। कुछ लोग ऐसे हैं, चहावा के नाम पे साड़ी है, घी है, प्रसाद है, नाना प्रकार की वस्तुएँ माँ को अर्पित करते हैं, तो उनकी ये भाव है। लेकिन हमारा कहना कि माँ से मिलने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आप घर से चलते हैं कि माँ से मिलने जा रहे हैं, उसी समय आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और यहाँ पहुँचते हैं तो सफलता मिल जाती है। मंदिर में मंदिर का कारण है भक्तों को यहाँ भीड़ का, जो माँ कभी किसी को खाली नहीं लौटाती है। इसीलिए माँ के दरबार में लाखों की संख्या में सदा भीड़ लगा रहता है। आज बाबा, मंदिर का महत्व क्या है? जो मंदिर का महत्व है कि राजा दक्ष प्रजापति जब यज्ञ किए थे, उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए, दोनों में अनबन था। राजा दक्ष भगवान शंकर के ससुर लगते थे, तो ससुर दबाव में झगड़ा था, तो वो शिव जी को नीचा दिखाने के लिए जग का अनुष्ठान किए और उस जग में सभी देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया। जब माता पार्वती को मालूम पड़ा सती को कि हमारे मायके में जग हो रहा है, तो वो अपने पति से बोले, नाथ जी से बोली कि जग में जाना है मायके, तो वो मना करते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जग हो रहा है, वो कर रहे हैं, करने दो, तुम मत जाओ, निमंत्रण आपको नहीं मिला है, आप मत जाए। शंकर जी बहुत समझाते, लेकिन वो मायके की हट में, ममता में, पिता के प्यार में मोहित होकर के वो शंकर जी की बात को नहीं मानते और चले जाते। तो भोलेनाथ जी नंदी को साथ भेज दिए कि नंदी तुम जा, इनकी रक्षा करना। जब वहाँ माता सती गई तो जग मंडप पे शगर सभी देवताओं के लिए स्थान था और भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं, और इनको कोई आदर कर नहीं रहा है, बिन बुलाए मेहमान। राजा दक्ष जानते थे कि हम तो बुलाए नहीं हैं, तो हम क्यों करें, क्यों आदर करें, वो छोड़ दिए, वो अपना काम में लगे रहे। माता सती को एक क्रोध आया कि तीनों लोग तो स्वामी कहलाते हैं, हमारे स्वामी, और उनके लिए जग में स्थान नहीं, तो मैं ऐसा जग होने नहीं दूंगा। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करता है, माँ उस भक्त पर खुश होकर उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। यहाँ गर्भगृह में वैसे तो काफी अंधेरा रहता है, लेकिन यहाँ वर्षों से एक दीप प्रज्वलित हो रही है और ये दीपक कभी बुझता नहीं है। माँ का पूजा करने के लिए भीड़ है, तो क्या श्रद्धा होना चाहिए माँ का, और क्या बोले, दर्शन माँ का दर्शन अच्छा से हो जाए, भक्तों को ये अपना मेरा है, भक्तों को दर्शन हो जाए अच्छा से, माँ का कृपा से सभी को जितना सब मनोकामना सबका है, सबका मनोकामना पूर्ण हो, सब घर अपना सुख शांति से रहे। इस मंदिर में सिर्फ यहाँ के ही नहीं बल्कि विदेशी भी आकर माँ मंगला गौरी में पूजा अर्चना करते हैं।
मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं को 100 से ज्यादा सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की प्रतिमा रखी हुई है। यहां भव्य नक्काशी बनी हुई है। इस मंदिर के सामने वाले भाग में एक मंडप बना हुआ है। मंदिर परिसर में भगवान शिव और महिषासुर की प्रतिमा, मर्दिनी की मूर्ति, देवी दुर्गा की मूर्ति और दक्षिण काली की मूर्ति भी विराजमान है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।